जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक एकड़ से कम जमीन में 20 मल्टीक्रॉप को एक साथ तैयार किया गया है, यानी कि अब छोटी जोत वाले किसान भी बम्पर पैदावार ले सकेंगे और अच्छी कमाई कर सकेंगे, साथ ही साथ हर महीने में अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकेंगे। ये मॉडल जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। आइए दोस्तों, हम इसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, अपने वहाँ ज्यादातर किसान जो हैं, अपने किसान भाई जो है छोटी जोत के ही हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती है और कम जमीन वाले यानी कि सीमांत और लघु किसान ही होते हैं। जो सीमित खेती होने के कारण क्या होता है किसान भाई, हमारी जीविका पर भी संकट हमेशा रहता है। कम जमीन में यदि मौसमी फसल खराब हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और हमें नुकसान हो जाता है। ऐसे में दोस्तों जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के विकसित मॉडल ने ऐसे किसानों के लिए एक संजीवनी दी है। लघु और सीमांत किसानों के लिए मॉडल काफी लाभदायक साबित हो सकेगा। इस मॉडल की जानकारी लेने के लिए प्रदेश के जिलों से किसानों के अलावा खेती का शौक रखने वाले लोग भी विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं और वह सीमित जगह में मल्टीक्रॉप जैविक फसलें उगाने के तरीके भी जान रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने एक एकड़ से भी कम क्षेत्र में विकसित मॉडल में करीब 20 मल्टीक्रॉप को एक साथ तैयार किया है। इसमें इन्होंने कापू, गोबर की खाद, जवाहर जैव उर्वरक से तैयार किए गए माध्यम में अरहर के पौधों को रोपित किए जा गए हैं और लाख एवं अरहर की सामान्य फसलों के साथ ही इन्होंने प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, टमाटर, धनिया और मिर्ची की फसल को लगाकर पैदावार इसमें बढ़ाई जा सकती है और एक साथ 2 से 3 फसलें किसान हर माह ले सकते हैं। और इन्होंने खास बात और की है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से बोरों में मिट्टी भरकर खेती की जा सकती है। इस तकनीक से कम या अधिक जल के बावजूद पथरीली, रेतीली और बंजर ऊसर भूमि में भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। ये तकनीक देश में खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को आय को दुगना करने में सार्थक होगी। इनके अनुसार इससे जो है 4 गुनी पैदावार हो सकती है। मात्र 60 किलोग्राम मिट्टी से भरी बोरियों में ही पोषक तत्व, जवाहर जैव उर्वरक, गोबर खाद, केचुआ खाद का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और सामान्य तकनीक से एक पौधे से लगभग जो अरहर जो है 500 ग्राम पैदा होती है और जबकि इस तकनीक से जो है एक पौधे से 2 किलोग्राम अरहर पैदा होती है, यानी कि 4 गुना ज्यादा पैदावार इसमें होती है। इसके अलावा दोस्तों 600 ग्राम इसमें लाख मिलता है और 5 किलोग्राम लगभग जलाऊ लकड़ी भी मिल जाती है। तो छोटे किसानों के लिए ये मॉडल काफी अच्छा हो सकता है, यानी कि वरदान साबित होगा। इस मॉडल में एक साथ कई मल्टीक्रॉपिंग फसलें तैयार की जा सकती हैं और इसका सफल प्रयोग विश्वविद्यालय में किया गया है और इनका कहना है कि प्रदेश के किसानों के लिए ये उपलब्ध कराया गया है और प्रदेश के किसान इसे देख सकते हैं और लोग भी जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों, जवाहर मॉडल जो है किसानों के लिए एक तरह से ATM भी साबित होगा। इससे देश में कम खेती करने के रकबे को भी बढ़ाया जा सकेगा और किसानों को आय भी दुगनी हो सकेगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये मॉडल जो है हमारे किसान भाइयों को जरूर भाएगा और हमारे किसान भाई इससे काफी अच्छा फायदा ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।